हेलो गाइस, यदि आप लोगों के भी घर पे ये इस तरह की पुरानी केबल या कटे हुए केबल जो कि घर पे या तो बच्चे मुंह से काट देते और या हमारे किसी जो छोटे मोटे जानवर होते हैं, मोटे तो क्या छोटे जानवर, जो कि गाइस मुंह से बिल्कुल इसको चबा के खराब कर देते। तो जैसे मेरे इस केबल को छोटी सी जो मेरे घर में बकरी थी पहले, उसने इसको चबा के खराब कर दिया। तो गाइस इस केबल को हम रिपेयरिंग करेंगे आप ही के सामने। तो चलो गाइस वीडियो पे बने रहे, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले कुछ इस प्रकार केबल को, टूटी हुई हो तो उसको थोड़ा सी छील लेना चाहिए कुछ इस प्रकार कैंची की सहायता से। तो गाइस वीडियो को ध्यान से देखना गाइस, एक भी चीज छूट गई तो आपकी केबल बिल्कुल अच्छी तरह रिपेयरिंग नहीं हो सकती। गाइस कुछ इस प्रकार के तार निकलते हैं जिसको हम कैंची से काट देंगे कुछ इस प्रकार। ये देखिए गाइस ये निकले हुए है। तो गाइस ये केबल की सेफ्टी के लिए, मगर पता नहीं मेरी बकरी के इतने ही मजबूत दांत है। यदि इस प्रकार के जैसे कि ये कोटर निकल गया तो गाइस इसको थोड़ा सी कम आग की सहायता से, यानी कि मेरे पास में लेटर है इसकी सहायता से इसको जला दूंगा कुछ इस प्रकार। ये देखिए, और गाइस ये जो तार है इसको भी मैं काट दूंगा। गाइस मेन चीज हमारे ये चार रंगीन तार, ये इसी के माध्यम से हमारे केबल केबल से यानी कि विद्युत होके मोबाइल के अंदर जाती है पिन की सहायता से। तो गाइस अब चारों तारों को आसानी से हम चला देते हैं ताकि इसका कवर साफ हो जाए, और फिर गाइस इसको कुछ इस प्रकार हम छीन लेंगे ताकि अंदर के तार। ये काम बिल्कुल सावधानी के तौर पे करने का है गाइस, यदि थोड़ी सी भी मिस्टेक हो गई तो आपके हाथ जल सकते हैं। तो गाइस ये देखिए हमने चारों तारों को बिल्कुल लेटर की सहायता से जला के और जो ओरिजिनल तार थे वो निकाल लिए। गाइस मेन तार यही है गाइस, चार तार या दूसरी केबल के अंदर आपके पास दूसरी हो या दूसरी होती है तो उसमें तीन तार ही होते हैं जिसमें सही इन दोनों तारों में से एक तार गायब हो सकता है। तो गाइस हमने कुछ बिल्कुल अच्छी तरह इनके चारों तारों को छीन लिया और आग की सहायता से बिल्कुल अच्छी तरह पका लिया। तो गाइस अब इसमें से लाल वाले लाल तार को मैं अच्छी तरह मिक्स कर देता हूँ और गाइस जो भी सेम कलर है उसको मिला देता हूँ। तो ये देखिए गाइस, तो गाइस हर एक केबल के अंदर अभी तो चार वायर आती है, मगर कोई कोई पुरानी केबल होती है जिसमें तीन वायर होती है। तो गाइस ये देखिएगा मैं इस तरह इसको बिल्कुल अच्छी तरह। तो दोस्तों अब हमारी केबल बिल्कुल रेडी हो चुकी है, इससे हम कई मोबाइल चार्जर कर सकते हैं या आपकी इच्छा हो आपके पास में कुछ इसी प्रकार रिपेयर करके अनेक चीजों में हम काम में ले सकते हैं। तो गाइस आप लोगों को हमारा ये प्रोजेक्ट यानी कि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को गाइस लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।